गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन क्लास सिक्स वी वर डिस्कसिंग बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंसेस. सो टुडे वी विल स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. सो बेसिकली इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस द टेंस is used to express an action that began before a certain point or period in the past and continued up to some time. जो वर्क पास्ट में शुरू हुआ था एंड बेसिकली इट वॉज रनिंग और पास्ट में कुछ टाइम तक वो चल रहा था. इट विल इंडिकेट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले दो घंटे से पढ़ रहा था. दैट मीन्स द वर्क विच वॉज स्टार्टेड अर्लियर एंड इट वॉज कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू चल रहा था, तो उसके लिए यूज़ करते हैं बेसिकली हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बट इट हैजंट गॉट एनी इफेक्ट लेफ्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब आप उसको बता रहे होते हैं तब वो बेसिकली फिनिश हो चुका होता है, बिकॉज वो पास्ट में कंटिन्यू आप कर रहे थे. इट वॉज कंटिन्यू इन द पास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर? ऑल राइट. तो इसमें If you seek the rules of it, in affirmative cases, see, for making perfect, you have to use third form. Fine. और हम past perfect में पढ़ चुके हैं कि हम verb की third form use करते हैं with had. That means for perfect हम लोग had का use करेंगे plus third form. But we have to use continuous also. So in this case, we will use the third form of be and it will convert into been. Fine. And continuous में ing का use करते हैं and the verb will be added in the form of ing. Because हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि verb third form and verb ing एक साथ उसी verb में. In this case we will use third form of be यानी कि been and simply verb plus ing. Fine. So the proper formation will be that subject, whether it is singular or plural, you have to use had plus third form of be will be been plus verb plus ing plus basically we have studied earlier in the present perfect tenses to use since or for, and you know the differences to use since or for. For certain period of time you have to use since, for uncertain period of time you have to use for. Fine. So after using object you have to use since or for. इसको एग्जाम्पलीफाइड करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, I had been going to office since last 10 years. Fine. In negative cases, I had not been going to office since last 10 years. In the cases of interrogative, we have to add on had before the subject. Had I been going to office since last 10 years with question mark. In cases of interrogative plus negative, that will be had I not been going to office since last 10 years, 5 years, whatever it is. So in the cases of double interrogative, you have to use why, had. You can add on wh words, when, where, why, which. Why had I been going to office since last 10 years
एंड फाइनली डबल इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यू हैव टू यूज वाई हैड आई नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस लास्ट 10 years. बेसिकली यू शुड नो कि अगर हम इंटरगेटिव में डब्ल्यू एच पोर्शन ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स डबल इंटरगेटिव. इफ यू एड नॉट पोर्शन इन इंटरगेटिव नेगेटिव इट विल बिकम डबल इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव. देखा है आपने हैड आई बीन गोइंग तो वाई हैड आई बीन गोइंग एंड हैड आई नॉट बीन गोइंग वाई हैड आई नॉट बीन गोइंग. फाइन So, we will start exercise A on page number 92. 92 से start है. Fill in the blanks with the appropriate forms of verbs according to the tenses mentioned in the brackets. तो tenses given है आपको उसके accordingly इसका verb का use करना है. तो भाई aren't past continuous. तो basically verb is bake. तो past continuous में volver ing का use करते हैं according to subjects. तो भाई आंट एक सब्जेक्ट है तो वॉज प्लस आई एन जी दैट मीन्स वॉज बेकिंग. हिज हार्ड वर्क बियर फ्रूट एंड ही पास द एग्जाम. सिंपल पास में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड फॉर्म बेसिकली हम यूज करते हैं सिंपल पास में. बोर विल बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ बियर. द बॉयज डैश गो ऑन अ हॉलीडे पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वर आई एन जी तो बॉयज प्लूरल है तो वर प्लस आई एन जी मीन्स वर गोइंग. द बॉयज वर गोइंग ऑन अ हॉलीडे विद देयर पेरेंट्स व्हेन द कार गॉट अ फ्लैट टायर. ही डैश स्प्रेन हिज एंकल बिफोर ही वेंट टू द स्टेडियम पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म दैट मीन्स हैड स्प्रेन्ड. फिफ्थ द पुलिस मैन कैच द डकैट्स तो सिंपल पास्ट कैच विल बी कन्वर्ट इन टू कॉट. सिक्स द लेडी डैश द हिल स्टेशन बिफोर शी फेल इल सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज करना हैड ड्राइवन. सेवेंथ द ट्रेन डैश अराइव व्हेन दे रीच द स्टेशन पास्ट परफेक्ट हैड अराइव्ड. बेसिकली पास्ट परफेक्ट में आप वर्ड हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. फाइन एट स्टूडेंट्स एट द गेट स्टूडेंट्स प्लूरल है एंड वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस तो वर प्लस आई एन जी तो वर्ब इज शाउट वर शाउटिंग. द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग व्हेन द थीफ वॉज बींग चेज्ड. अनिल्स फैमिली डैश लिव इन गोवा टिल लास्ट ईयर सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब सेकेंड फॉर्म लिव विल कन्वर्ट इन टू लिव्ड. इसका नेगेटिव करना होता तो हम डिड नॉट लिव का यूज करते. टेंथ रीटा डैश कलेक्ट शेल्स बिफोर शी वेंट फॉर अ स्विम पास्ट परफेक्ट दैट मीन हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड कलेक्टेड. Rita had collected shells before she went for a swim. Okay. So that was basically exercise A of past perfect continuous tenses. So in upcoming lecture, we will continue the topic with it. Thank you. Thank you so much.